आसमान को नीला, नीला आसमान को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। देखो आसमान के बारे में क्या बोलता है? आसमान नीला है, ठीक है। या यहाँ पे कोट है, कोट के बारे में क्या बोलता है? कोट कैसा है? काला है, कैसा? काला। वेरी गुड। तो यहाँ पे औरत के बारे में बात हो रही है कि औरत के बारे में क्या बोलती है? कैसी है औरत? खूबसूरत है, खूबसूरत, खूबसूरत। वेरी गुड। या यहाँ पे, हाँ, या यहाँ पे है सूरज के बारे में, क्या सूरज के बारे में यहाँ पे बोलते हैं? कि चमकता सूरज, ठीक है, यानी कि वेरी गुड, चमकता सूरज। हाँ, यहाँ पे दरख्त की बात हो रही है कि दरख्त कैसा है? दरख्त लंबा, कैसा है दरख्त? लंबा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे अनार की बात हो रही है, अनार कैसा है? मीठा। वेरी गुड, वेरी गुड, अनार मीठा है। तो यहाँ पे चाकू की बात हो रही है, चाकू पता है ना किसको कहते हैं? चाकू के बारे में, तो चाकू के बारे में क्या बात हो रही है? चाकू, वेरी गुड। फिर यहाँ पे लड़का है, हाँ लड़का है, यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे लड़की के बारे में? लड़का कैसा है? वेरी गुड। फिर यहाँ पे घास की बात है, घास कैसी है? हरी घास, ग्रीन कलर का घास है। वेरी गुड, मीन्स ये घास ग्रीन कलर का है, ठीक है ना। तो अब जो ये सिफत है, अब सिफत है क्या यहाँ पे? जो ये चीजें है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा आसमान के बारे में, ठीक है ना, कोट के बारे में, सूरज के बारे में, ठीक है, या घास के बारे में, इनमें कोई ना, ये सारी चीजें क्या रखते हैं? कोई ना कोई खसूसियत, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं सिफत। यानी आप शॉर्ट में आप रखोगे सिफत क्या होता है, वो इस्म की असली, इस्म पता है ना क्या होता है? तो वो उसकी असली हालत जाहिर करता है, ठीक है ना। चाहे देखो अब यहाँ पे आपने इतना पढ़ा, ये इतना पढ़ा यहाँ पे जो बुक पर है, इसके बगैर भी कोई होता है, मींस आप पढ़ते हो, मैं बोलूंगी आफाक अच्छा पढ़ता है, ठीक है, ठीक है ना। या आयत अच्छी पढ़ती है, अंजलिया अच्छा लिखता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो अब ये सिफत क्या होता है? ये इस्म की असली हालत को करता है जाहिर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने पढ़ा नीला आसमान, यानी कि स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू ही होता है ना। मींस वो क्या करता है अब सिफत, जो असल में होता है इस्म, ठीक है ना, उसी को उसी वो ही जाहिर करता है, ठीक है। जरा आप कोई एग्जाम्पल दो, कोई कोई एग्जाम्पल दो। जैसे मैंने आपको बोला अंजल निलाल जो है अच्छा लिखता है, ठीक है ना, आयान हसन जो है वो इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है ना। मैं हाँ जी, हाँ मैं भी हाँ, यानी कोई, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का वो पतला है, ठीक है ना, कोई लड़का ऐसा जो लंबा है, ठीक है, कोई लड़का खूबसूरत होता है, कोई लड़का जो ज्यादा थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना, आप लोग देखते हो ना, वही होता है सिफत, ठीक है, यानी इस्म की असली हालत को वो जाहिर करता है, ठीक है। चाकू, आपको पता है चाकू के बारे में? चाकू तो तेज ही होती है ना, है ना, चाकू के बारे में पता है ना? यस मैम। हाँ वही, यहाँ पे भी वही बोलता है कि चाकू क्या होता है? चाकू तेज ही होता है, ठीक है। मीन्स ये अब चाकू इस्म है, अब ये इसकी असली हालत को ही जाहिर करता है ना। सुना ये वाला चाकू चौसा तेजी है ना, वही होता है सिफत जो इस्म की असली हालत को जाहिर करता है, ठीक है। या घास, आप लोगों ने देखी है ना घास, इसका कलर क्या होता है? घास का कलर ग्रीन होता है ना, ठीक है, ग्रीन। वेरी गुड, वही होता है सिफत, ठीक है। क्या अब सिफत होता है? किसको सिफत आप बोलते हैं? क्या होता है सिफत, किसे कहते हैं आप? वेरी गुड, चलिए जिसको याद मालूम है। हाँ मैं देखूंगी
किसको समझ है, एक आपसे पूछूंगी, जिसको मैं बोलूंगी खाली वो माई करेगा अनम्यूट, ठीक है ना? ओके, चलिए आयमन जहरा आप बोलिए बच्चा मुझे, किसको आप सिफत किसे कहते हैं? आयमन जहरा, यस मैम, बोलिए आप सिफत, आप किसे कहते हैं सिफत? वेरी गुड, सिफत बताते हैं जैसे कि कोई छोटा लड़का हो, उन्हें कोई पतला होता है उसे ही सिफत बताते हैं। हाँ, मींस वो क्या करता है सिफत, ये इस्म की असली हालत को जाहिर करता है। ओके बच्चा, मेहदी हुसैन आप बोलिए, मेहदी हुसैन सिफत किसे कहते हैं? मेहदी हुसैन शाबाश बच्चा बोलिए। शाबाश, सिफत इस्म की असली हालत को, हालत को जाहिर करता है। जरा कोई एग्जांपल दो। शाबाश, जैसे मोटा लड़का, जैसे मोटा लड़का पतला। ओके, आफाक हुसैन आप बोलिए। आफाक हुसैन, यस मैम, बोलिए बच्चा, बोलिए सिफत किसे कहते हैं आप? जो इसम की बुराई और अच्छाई जाहिर करता है। हाँ, जो इसम की असली हालत को जाहिर करता है। जरा कोई एग्जांपल दो। शाबाश, नहीं आपकी बताई ना करो। वेरी गुड, ओके। आयत जहूर आप बोलिए बच्चा। आयत रोल नंबर 13। यस मैम, बोलिए आप सिफत आप किससे कहते हैं? जैसे कि ये लड़की खूबसूरत है। वेरी गुड, और कोई एग्जांपल? ये लड़का पतला है। वेरी गुड, यानी इस्म की क्या करता है, वो असली हालत को जाहिर करता है, ठीक है ना? ओके मैम, इस्म की असलियत बताता है, ठीक है, क्या है? ओके मैम। ओके सबा जहरा रोल नंबर 24। सबा जहरा रोल नंबर 24। रोल नंबर 24 बोलिए बच्चा। शाबाश, बोलिए आप सिफत के बारे में, सिफत किसे कहते हैं? औरत या शाबाश, जरा मुझे बोलो फैल किसे कहते हैं? शाबाश जहरा, यस मैम, हाँ बोलिए फैल के बारे में बोलिए, फैल किसे कहते हैं? किसी काम को। वेरी गुड, कोई एग्जांपल दो, जैसे जरा कोई एग्जांपल दो। शाबाश, कुर्सी। हाँ, कुश्ती। कुर्सी कहाँ है? नहीं, काम, कुर्सी काम है, आपने बोला फैल काम करने को कहते हैं, तो कोई एग्जांपल दो। हाँ, कुश्ती, कुश्ती। हाँ वेरी गुड, हाँ इसके बगैर आप बुक से देखती हो, बुक के बगैर बोलो कोई काम, बुक पर जो लिख के है आप वही बोलती हो। दौड़ना। हाँ, खाना खाते हो, आपने खाना खाती हो? यस है ना,
वो भी है ना काम, खाना खाना वो भी फैल है। ठीक है ओके आतिम आतिम बच्चा आप बोलिए। आतिम सिफत किसे कहते हैं बोलिए बच्चा सिफत के बारे में जल्दी से। आतिम सिफत किसे कहते हैं जल्दी से बोलिए। किसी की अस्थि शाबाश असली असली हालत किसी की क्या मींस इसम की। ठीक है इसम क्या है नामी अल्फाज है ना इसम से ना काम थी कोई भी शख्स कोई भी जगह कोई भी चीज है ना उसी को क्या करता है सिफत उसकी सिफत किसको कहते हैं उसी इसम की असली हालत जाहिर करता है। ठीक है किसी नहीं इसम की असली हालत को जाहिर करता है इसम जैसे है वही। ठीक है ना जैसे अभी मैंने बोला चाकू आपको सब आप सबको पता है चाकू क्या होती है तेज है ना वही मीन चाकू तेज है तेज गो सिफत। ठीक है सूरज देखो चमकता सूरज आप लोगों ने पढ़ा है ना सूरज होता है ना सूरज चमकता है ना वही आप लोगों ने अभी पढ़ा यहाँ पे कोड के बारे में कोड कैसा है यहाँ पे कोड काला है तो काला कोट है ये हाँ जो है देखो अभी आपको मुर्तजा अहमद नागू को लगा के है ग्रीन। ठीक है ना मुर्तजा अहमद नागू क्या पहन के है कौन सा कलर है इसका जैसे यहाँ पे है बुक पर काला कोट। ठीक है कोट के बारे में यहाँ पे काला है इसको ग्रीन लगा के है। ठीक है ना यानी मुर्तजा अहमद नागू को जो लगा के है उसका ग्रीन है हरा है। ठीक है ना वही इसम की असली हालत को जाहिर करता है। ठीक है चलिए फातिमा मुदस्सिर आप बोलिए। फातिमा मुदस्सिर यस मैम बोलिए आप सिफत किसे कहते हैं सिफत कहते हैं एडजेक्टिव। हाँ वो पता है एडजेक्टिव तो होता है सिफत लेकिन किसको कहते हैं मैं बताऊं जैसे तेज मैम। हाँ जी बच्चा जरा आप बोलिए मुर्तजा अहमद नागू बोलिए बच्चा इसम की असली औरत। वेरी गुड इसम की असली हालत को जाहिर करता है। ठीक है तो आप क्या क्या पढ़ा इसम के बारे में इसम क्या होता है नामी अल्फाज है ना नामी अल्फाज को इसम कहते हैं। ठीक है ना हाँ नामी अल्फाज को इसम कहते हैं। ठीक है ना कोई भी नाम ठीक है जैसे आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ फिर उसके बाद क्या पढ़ा फैल फैल किसे कहते हैं आप लड़की फैल किसको कहते हैं फैल फैल किसे कहते हैं काम को। वेरी गुड काम को। ठीक है काम करने को किसी भी काम करने को चाहे आप खाओगे खाना खाना सबक पढ़ना लिखना ठीक है खेलना दौड़ना नाचना रोना ठीक है ये सारे काम है। ठीक है ना तो फिर उसके बाद सिफत था इसमें सिफत अब किसको कहते हैं सिफत इसम की असली हालत को जाहिर करता है। ठीक है ना जैसे आप लोगों ने पढ़ा मीठा अनार खूबसूरत औरत ठीक है कोई चालाक लड़का होता है ठीक है ना या चालाक लड़की होती है। ठीक है ना कोई इंटेलिजेंट होता है तो बोलते हैं जहीन लड़का है जहीन लड़की है। ठीक है ना कोई लंबा होता है ठीक है कोई छोटा होता है ठीक है कोई मोटा होता है कोई पतला होता है ना तो उसी को बोलते हैं सिफत। ठीक है इतना क्लियर हुआ यस मैम यस मैम
ओके आप क्या करेंगे, आप एक काम, मैंने आप लोगों को बोला था ये जो लेसन है आप कंप्लीट हो गया, कल मैं फिर से आप लोगों को इसके बारे में पूछूंगी। और जो आप लोगों की उर्दू की कॉपी है, आप लोगों को मैंने बोला है उर्दू में खाली आपको एक ही कॉपी है, ग्रामर के लिए भी और उर्दू के लिए भी, ठीक है ना। उसमें जो आप लोगों ने काम किया है अब आप उसके बाद लिखोगे उसी पेज के बाद, ठीक है ना। उसमें लिखोगे एक पेज पे उर्दू ग्रामर, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम उसमें काम करेंगे, कल मैं आपको इस उर्दू ग्रामर में भी काम दिखाऊंगी, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसी के बारे में, इस्म फ़ाल और सिफत, फिर उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, तीनों जो है इस्म भी फ़ाल भी और सिफत भी, इसके बारे में आप और पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। जी मैम। ओके मैम। आया समझ में? यस मैम। ओके मैम। ओके नाउ लिसन योर अटेंडेंस। अच्छा भाई मैं सुन रही हूं। अटेंडेंस की तरह ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम, 2, 3, 4 प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 4 आई एम आंसर। ओके 5, 6 प्रेजेंट मैम, 7 प्रेजेंट मैम, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आयत ज़हूर प्रेजेंट मैम, ओके 14, 15, 16, 17, 18 प्रेजेंट मैम, अटेंडेंस मिस हो जाती है ना, आप फिलहाल चुप करके बैठिए, लास्ट में मैं बोलती हूँ ना, किसी की अटेंडेंस मत मिस हो गई, ठीक है ना, बीच में मत बोला करो। ओके 23, 24 सब्बा जहरा, 25 यस मैम, ओके 26, 27 ओके 28 मैम, ओके 29, 30, 31, 32 प्रेजेंट मैम, 34 प्रेजेंट मैम, 34 ओके 35, 36 अमान आशिक प्रेजेंट मैम, अमान आशिक ओके, आप नंबर 31 ओके, और आयमन रोल नंबर 37 ठीक है, आयमन जहरा यस मैम प्रेजेंट, ओके ओके, आप मत किसी की अटेंडेंस मत मिस हुई, किसकी अटेंडेंस मिस हुई मैम, मैम रोल नंबर 14 ओके हो गया, किसी की अटेंडेंस मिस हुई, नो तो आप जो ओके आप जो मैंने बोला ठीक है बच्चा, आप सब क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा इसका आप अच्छे से और पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कल पहले हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे, और जो मैंने बोला कॉपी पर आप लिखोगे उर्दू ग्रामर, ठीक है, उसी पेज पे नेक्स्ट पेज पे जितना आप लोगों ने काम किया ना, फिर उसके बाद जो पेज है उस पे आप लिखोगे उर्दू ग्रामर, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर हम काम करेंगे, ओके ओके मैम, ओके अल्लाह हाफिज़, अपने अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, ओके।